मैंने समाज के लिए, अरुणाचल के लिए, साहित्य के लिए जो कुछ थोड़ा सा अवदान दिया है उसका स्वीकृति है। भारत सरकार ने मुझे उसके वजह से ये सम्मान से अपना मुझे गौरवान्वित किया है। सर, आपके जो किताब होते हैं ज़्यादा, आप किस तरह से किताब को, मतलब आपकी इमेजिनेशन या फिर आप रियलिटी किस चीज़ के बेसिस पे आप लिखते हो किताब को? ये समाज का चित्रण मैं करता हूँ। अरुणाचल में हम लोगों का जो समाज है, हम लोगों का आदिवासी, हम लोगों का जनजातीय जो समाज है, ट्राइबल लाइफ जो है, इथोस है, उसको मैं अपना लिखन के जरिए से रिफ्लेक्ट करता हूँ। यानी कि मतलब ये बेस ऑन रियलिटी है सर? बेस ऑन सम आर रियलिटी, इट इज़ ए मिक्स ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। सो इट इज़ ए फिक्शनल, मोस्टली आई राइट फिक्शन, आई राइट नॉवेल्स, आई राइट शॉर्ट स्टोरीज, एंड देन इन थ्रू दोस शॉर्ट स्टोरीज, थ्रू दोस नॉवेल्स, आई रिफ्लेक्ट दी सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिफरेंट ट्राइब्स, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर वे ऑफ लिविंग, एंड देयर यूनिक कस्टम्स। दैट इज वाई पीपल लाइक रीडिंग ऑल दोस नॉवेल्स, ऑल दोस शॉर्ट स्टोरीज, बिकॉज दिस आर द यूनिक थिंग्स for the readers of the world, because no very none of the this thing novelist like except Lumerdai, nobody has written about Arunachal Pradesh extensively. सर, आपकी जो माना की किताब लिखने में बहुत ही समय जाते हैं, तो आप कितने समय एक्सपेंड करते हो एक किताब को लिखने के लिए? उस किताब के ऊपर में डिपेंड करता है। कोई कोई किताब मैं एक दो महीने में लिख के ख़त्म भी कर देता हूँ, कोई कोई किताब लिखने में मुझे एक दो साल भी लग जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टिंग साइज ऑफ द बुक, और समझ लीजिए कोई अच्छा से लिखने के लिए बैठ गया, मुझे कंटिन्यूस लिखने का समय मिला। जैसे कि मैं कह सकूंगा कि हमारा नॉवेल लिखने में, हम फर्स्ट नॉवेल जो दो थू लिखा था एक साथ में, उस मुझे दो महीने में दो थू नॉवेल हमने लिख के ख़त्म कर दिया। फिर ऐसे कोई कोई नॉवेल है ये मुझे लिखने में दो साल जैसे भी लगा है। सर, आपकी जो जो किताब है, नॉवेल है, पोइट है, उनमें से आपकी यादगार किताब कौन सी है? अभी तो सब तो यादगारी है, सब तो सबके बारे में चर्चा होते रहते हैं, सबके बारे में पूछते रहते हैं, मगर मेरा सबसे प्रिय और सबसे अच्छा जो प्रीति है वो है सौ काटने वाला आदमी, जिसे बहुत लोग सराहता है, जो लोग जो जिसने भी पढ़ा है उसने भी अच्छा पाया है उस किताब को। सर, लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से यंग स्टार है जो राइटर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मतलब लाइक अगर राइटर बनना चाहोगे तो क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो है ये गॉड गिफ्टेड एक जेनियसनेस है, टैलेंट है। कोई भी आदमी हम राइटर बनेगा बोल के राइटर बन नहीं सकता है, कोई भी आदमी हम प्लेयर बनेगा बोल के प्लेयर नहीं बन सकता है, भगवान का देन है ये सब। मगर भगवान ने हमें ये प्रतिभा दान दिया बोल के बैठे रहने नहीं चाहिए, हर एक चीज़ में अपना साधना का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो नंबर वन तो साधना है, नंबर टू जो है आप अगर एक अच्छा लेखक बनना मांगता है तो आपको बहुत सा किताब पढ़ना पड़ेगा। साहित्य का जितना विधा है उस विधा को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, उसका जो न्यूएंसेस है उसको जानना पड़ेगा। हम लोगों का अरुणाचल का बहुत सारा राइटर है,
ये शॉर्ट स्टोरी किसे कहता है, नॉवेल किसका कहता है, कुछ मालूम ना है, ऐसे दिखते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बारे में, साहित्य के बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। और थर्ड थिंग है, जितना हो सके किताब पढ़ना चाहिए, जितना हो सके किताब पढ़ना चाहिए, ताकि अच्छा किताब क्या है, अच्छा लिखनी क्या है, अच्छा वो खराब लेखन किसको कहते हैं, इसको आप समझ सकना चाहिए। और आप जितना पढ़ेगा, जितना आप लिखते रहेगा, परसपेरेंस करेगा, उतना आपका लिखने में जो है मैच्योरिटी आते जाएगा, आपका लिखन जो है अच्छा होते जाएगा।